उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए चिकन कैसीडिया की रेसिपी लेके आई हूँ, और ये बड़ी इजी है। आप जब भी मेहमान आए या आपका दिल करे तो शाम की चाय पे या डिनर पे बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैदा, ये 2 कप मैदा लिया मैंने, ये 1 टीस्पून नमक, और ये पाउडर चीनी है 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो घर में चीनी खुद ही गर्म ग्राइंड कर लें, आम जो रेगुलर चीनी होती है। ये बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून, और ये ऑयल है 1 टेबल स्पून। ये हम टोटीला करिए, ये टोटीला इसके पहले बनाएंगे। इसकी भी रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ, तो फिर आगे बताती हूँ मैं आपको क्या करना। इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से, इसका आटा गूंदेंगे जैसे आम आटा हम घर में गूंदते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और इसको गूंद लेंगे। पानी आपने थोड़ा सा नीम गर्म लेना, सिंपल ठंडा नहीं लेना। ये देखें जी, आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। ये देखें, ये मैंने गूंद लिया। अब इसको एक पेड़ा सा बना के तो हम इसको रख देते हैं 20 मिनट के लिए, रख देते हैं कवर करके। ये देखें जी, चलें जी, अब मैं आपको चिकन का बताती हूँ। चिकन मैंने बोनलेस लिया है, तकरीबन 1/2 kg है, और ये मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं इसके। तो ये है अदरक पाउडर जो है 1/2 टीस्पून, और इसमें जो मसाले जाएंगे वो आपको बता रही हूँ। लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून, और रेड मिर्चें हैं 1 टीस्पून। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और नमक भी। पेपरिका पाउडर है 1/2 टीस्पून से कम है, और ये ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, और ये ऑयल है 2 टेबल स्पून भर के। इसको भी हमने मैरिनेट करके 2-20 मिनट के लिए रखना है। चलें जी, इसको मिक्स करती हूँ अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने। अब इसको मैं कवर करके 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ जी। अब मैंने 20 मिनट के बाद चिकन निकाल लिया, इधर एक पैन लिया मैंने। अब मैं इसका चूल्हा ऑन करने लगी हूँ, और ये चिकन ऐसे डाल देंगे सारा। ऑयल इसमें है, डाला था हमने, थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी इसको, गर्म करूँगी थोड़ा सा कुक करके। तो फिर इसको ढक के, तो कुक करना है ढक्कन दे के। तो ये बड़े मज़े के बनते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। जब भी आप दिल करें आपका, आप बना सकते हैं। कोई पार्टी हो या कोई भी, घर वालों को बना के दें, बच्चों को बड़े पसंद आएंगे, और बच्चों को लंच बॉक्स भी आप देख सकते हैं। चलें जी, अब इसको कुक होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। मीडियम चूल्हा आपने रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं। अब ये देखें जी, अब करीबन 2 टेबल स्पून और इसको कवर करके हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रखेंगे। चलें 10 मिनट कुक होने देते हैं, फिर मैं आऊँगी आपको बता। ये देखें जी, ये चिकन कुक हो गया। अब इसमें एक प्याज मैंने काटी है, ऑमलेट काट, एक बड़ी प्याज है, ये डाल देंगे, और साथ ये टमाटर है, ये मैंने बारीक चॉप कर ली, एक टमाटर बड़ा। थोड़ी देर इसको कुक करते हैं। चूल्हा थोड़ा सा मैं तेज़ करूँगी, मीडियम से थोड़ा सा ही है। ये देखिए, और अब ये एक शिमला है बड़ी, ये मैंने चॉप कर ली है, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, मसाले भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको कुक होने देते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट। ये देखें जी, ये कुक हो गया, पानी खुशक हो गया, जो चिकन ने पानी छोड़ रहा था तो ये ड्राई हो गया, ये अच्छी तरह से पक गया है। अब इसको मैं चूल्हा करती हूँ बंद। तो अब हम तो टीला रोटी बनाते हैं। चलें जी, अब ये 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको फिर एक दफ़ा से थोड़ा सा गूंदूँगी। ये देखें, ये देखें जी, डो हमारी कितनी अच्छी सी सॉफ्ट सी तैयार है। अब इसके हम, पहले मैं इसके 2 करूँगी हिस्से, फिर मैं इसका एक पेड़ा बनाऊंगी।
ये टोर्टिला बनाने के लिए हम ये देखें थोड़ा सा मैदा छिड़कूंगी, ये 4 पीस कर लेंगे। चलें जी, अब मैं इसके पेड़े बना बना के रखती हूँ। आप बड़ी भी बना सकते हैं और इतने बड़े की भी बना सकते हैं। आपको अगर बड़ी की ज़रूरत है तो बड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इस टाइम इस ये इस रेसिपी यही जाएगी, लेकिन ये है कि बड़ी बना सकते हैं आप रोटी किसी भी चीज़ में अगर आपको चाहिए। और आप फ्रिज में इसको रख भी सकते हैं बना के, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो। ये देखें जी, अब मैं रोटी थोड़ा सा मैंने मैदा इधर छिड़का, और अब ये देखिए रोटी, अब हम अपने टोर्टिला बना रहे हैं। इसी ही पॉइंट पे आप बड़ी रोटी भी बेल सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। तो पैन मैंने इधर गरम करना रख दिया तवा, तो बस अब इसको थोड़ा सा और बेल के चलेंगे। थोड़ा सा मैं हाथ से करूँगी और रोटी की तरह इसको ऐसे पका लेंगे। ये देखेंगे ये देखिए, एक साइड से कुक हो गई है, अब मैं दूसरी साइड फिर मैंने चेंज की है। ये रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और बड़ी टेस्टी होती है। ये देखें, ऐसे ही मैं दूसरी, और बड़ी जल्दी से कुक हो जाती है, ऐसे ही मैं दूसरी भी डालने लगी हूँ। ये देखें, हाथ से थोड़ी फैला लें इसको। एक और मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं सारी ऐसी बना के, तो आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं रोटियों को, जब आप ज़रूरत हो प्लास्टिक रैप से कवर करके तो फ्रिज में रख दें, और जब ज़रूरत हो आप सैंडविच बनाएं या शवरमा बनाएं, जो जो आपका दिल करता है वो बनाएं। ये देखें जी, अब यहाँ से भी हो गई है, अब दूसरी तरफ से मैं करूँगी। चलें जी, ये देखें अब हो गई है कुक। ये देखिए कितनी जल्दी से ये रोटी तैयार हो जाती है। और बस थोड़ी देर के लिए भी कुक करती हूँ, 1 से 2 मिनट लगते हैं और रोटी पक जाती है। और इसके साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, और भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलें जी, ये भी तैयार है, ऐसे मैं सारी तैयार करके फिर आपको बताती हूँ। चूल्हा मैंने कम कर दिया है, एक रोटी मैंने ऊपर पकी हुई डाल दी है, तो अब इसमें थोड़ी सी चीज़ दी है मैंने, चेडर चीज़ ली है, तो आप मोज़रेला भी ले सकते हैं, लेकिन चेडर चीज़ ली है मैंने। अब इसके ऊपर पहले चेडर चीज़ लगाएंगे हम सारी, ये देखिए अच्छी तरह से। और ये बड़े मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बड़ी मज़े की लगी, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, घर वाले भी खुश इसको खा के और बच्चे भी। चलें जी, अब मैं ये जो मिक्सचर बनाया चिकन का, ये इसके ऊपर सारा डाल दूंगी ऐसे। सारा ऐसे फैला के डाल दूंगी, और लूंगी थोड़ा सा, और ये देखेंगे सारा मैंने डाल दिया। अब इसको फैला लेंगे चम्मच से ही, क्योंकि चिकन अभी थोड़ा सा मैंने ठंडा किया है, इतना ठंडा नहीं है। और इसके ऊपर फिर से हम ये चीज़ लगाएंगे, ये देखें, और नीचे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून, बस इतना सा ऑयल लगाएंगे नीचे। और अब इसके ऊपर भी हम एक रोटी ऐसे लगा देंगे, ये देखें, और इसको ऊपर से ऐसे दबाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया, और ऊपर से आपने अच्छी तरह से दबाना है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको इस पॉइंट पे कुक करना है।
ताकि जले ना, बस हमें थोड़ी सी रोटी चाहिए और जो चीज़ है वो इसमें ऐड हो जाए। ये देखेंगे ऐसे आप थोड़ा थोड़ा करके दबाते जाएं। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा के थोड़ा सा चलेंगे, तो इसकी साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखेंगे चूल्हा मैंने और कम कर दिया, और ये देखें जी अंदर से, ये देखें कितने मज़े की चीज़ मेल्ट हुई है। आपके मुंह में ज़रूर पानी आ जाएगा। तो आप बनाएं, इंजॉय करें, बच्चों को बना के दें, घर वालों को। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम हमारे किचन में, मैं आपको बता नहीं सकती। चलें जी ऐसे ही मैं दूसरी भी बना लेती हूँ और इसकी कटिंग करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। देखें जी ये मैंने दूसरा फिर डाल दिया था, और ये देखें चीज़, और आपको ये भी चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये देखें जी मज़ेदार से कैसडिया हमारे तैयार हैं। ये देखें रेस्टोरेंट स्टाइल के, आप ज़रूर बनाना। चलिए आपको काट के भी दिखा देती हूँ। पहले मैंने ऐसे ही किया ये पिज़्ज़ा कटर से, अब मैं ये कैसे काटूँगी। ये देखें जी ठीक हो गया। अब आप ये देखेंगे, चेक कर सकते हैं आप, गरम बहुत है। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार है हमारी रेसिपी और मज़े की। चलें जी आप ज़रूर ट्राई करना, और इसके साथ ही इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, हम भी दुआओं में याद रखेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।